अगर आपका फेसबुक अकाउंट अपने आप लॉग आउट हुआ है तो इसका मतलब है कि आप हाल में फेसबुक पर हुए हैकर अटैक का शिकार हुए हैं। हाल ही में फेसबुक के करीब 5 करोड़ लोगों के अकाउंट हैक हुए हैं, जिससे उनके फेसबुक द्वारा लॉग इन होने वाले दूसरे कई अकाउंट्स भी खतरे में आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। यूजर्स के डेटा लीक को लेकर पिछले दिनों विवादों में रहने वाला सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक अब एक नए विवाद में फंस गया है। फेसबुक के अनुसार उसके व्यू एज फीचर में आए एक बग के चलते हैकर्स ने करीब 5 करोड़ यूजर्स के अकाउंट की सिक्योरिटी ब्रीच की है। हालांकि यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस फीचर को अब हटा दिया है। So 50 million people were affected by this attack. Additionally, we have also taken precautionary measures of logging out an additional 40 million people who interacted with a part of our product where that vulnerability existed. All of those people will have to log back into Facebook, and we're doing that in order to protect the security of people's accounts. इस अटैक की वजह से दुनिया भर के करीब 9 करोड़ Facebook यूजर्स के अकाउंट लॉग आउट कर दिए गए, जिसकी वजह से उनको अपने अकाउंट्स में दोबारा लॉग इन करना पड़ा था। इस अटैक का असर कंपनी के शेयर के दाम पर भी दिखा, जो करीब 2.5% गिर गया। दिलचस्प बात यह है कि इस अटैक की खबर से पहले ताइवान के एक हैकर चैंग शी युआन ने ऐलान किया था कि वो 30 सितंबर को फेसबुक को लाइव हैक करेगा, पर उसके हैक करने से पहले ही फेसबुक पर हुए हैक की वजह से उसने अपना हैक करने का प्लान कैंसिल कर दिया है। फेसबुक के भारत में करीब 27 करोड़ यूजर्स हैं, इनमें से कितनों पर हैकिंग का असर पड़ा है यह मालूम नहीं है। कंपनी ने कहा है कि यूजर्स फेसबुक के सेफ्टी फीचर्स का पालन करें तो हैकिंग मुश्किल होगी। गो न्यूज़ के लिए उजैर अली जाफरी की रिपोर्ट।